हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धनंजय शुक्ला। मैं आपको बीएससी पार्ट वन के फिजिक्स के बारे में बताने चल रहा हूँ बेटा। बीएससी पार्ट वन के फिजिक्स में तीन पेपर्स हैं। फिजिक्स ऑफ बीएससी पार्ट वन, बीएससी फर्स्ट ईयर के तीन पेपर्स हैं। देयर आर थ्री पेपर्स, तीन पेपर्स हैं बच्चों, थ्री पेपर्स। पहला है मैकेनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है मैकेनिक्स। अब इसी पार्ट वन में फिजिक्स में बेटा 150 नंबर का पूरा होता है पेपर, 150 मार्क्स का, जिसमें अगर डिवीज़न करें तो 100 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके 150 मार्क्स का ये पेपर बनता है। तो पहला है बेटा मैकेनिक्स, ठीक। इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ना है और आइंस्टीन्स मैकेनिक्स पढ़ना है। तो मैकेनिक्स के दो पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। अब इसमें फ्लूड मैकेनिक्स और सब कुछ आ जाएगा। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से भी इसको हम समझते हैं, ठीक। दूसरा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रोवाइड किया था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको आइंस्टीन्स मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 33 मार्क्स का पेपर है, 33 मार्क्स, ठीक है, का पेपर है मैकेनिक्स, पहला पेपर। दूसरा पेपर है थर्मल फिजिक्स, ये सेकेंड पेपर है, ठीक है। तो सेकेंड पेपर है थर्मल फिजिक्स, ये भी मान के चलें 33 मार्क्स का, कभी कभी 34 मार्क्स का भी आ जाता है, और इन जनरल 33 मार्क्स का मान के चलें। तीसरा पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर बोलते हैं, लेकिन पूरा है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड बेसिक एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसे जर्मेनियम है, सिलिकन है, तो ये 34 मार्क्स का मान सकते हैं। कभी कभी थर्मल फिजिक्स 34 का आ जाएगा तो ये 33 का आ जाएगा, और थर्मल फिजिक्स 33 का आ जाएगा तो ये 34 का आ जाएगा। इस तरीके से मार्क्स के डिवीजन होते हैं। अब 33 और 34 मिला करके 100 मार्क्स का ये पूरा थ्योरी बन गया, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, और टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर बनता है, ठीक है। 150 नंबर का ये पेपर है, जिसमें 100 नंबर थ्योरी के हैं और 50 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है। तो इसमें एकदम परेशान नहीं होना है। आज हम आपको मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, और मैकेनिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करना चाहेंगे। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करने के पहले थोड़ा क्लासिकल मैकेनिक्स के, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करना, और क्लासिकल मैकेनिक्स के जो पास्टुलेट्स हैं जिन पर वो बेसिकली बेस्ड होती है, उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्लासिकल मैकेनिक्स के पास्टुलेट्स का आप वायलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक्सटेंशन मान सकते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स बेटा बेसिकली हम किसी भी बॉडी के कंडीशंस ऑफ रेस्ट या मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। रेस्ट के बारे में बात करते हैं तो स्टैटिक्स हो जाती है, और मोशन के बारे में बात करते हैं तो डायनामिक्स हो जाती है। तो पार्टिकल्स के वेलोसिटी के अकॉर्डिंग
जो क्लासिकल मैकेनिक्स के पास्टुलेट्स हैं उनमें वेरिएशन होता है, उसमें चेंज होता है। तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के पास्टुलेट से थोड़ा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना ज़रूरी है, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के पास्टुलेट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने चल रहे हैं मैकेनिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर आप बोल सकते हैं। इट इज़ फर्स्ट पेपर ऑफ BSc पार्ट वन, और ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये पेपर मैकेनिक्स का BSc पार्ट वन में ही रखा जाता है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, सब में क्लासिकल मैकेनिक्स का बड़ा इम्पॉर्टेंस है, मैकेनिक्स का बड़ा इम्पॉर्टेंस है। तो पहला पेपर है BSc पार्ट वन का मैकेनिक्स, ये फर्स्ट पेपर है, 33 मार्क्स का है, ठीक, 33 मार्क्स। ओके, अब बेटा मैकेनिक्स में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इससे लगभग 2 से 2.5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, मतलब 33 मार्क्स में मान के चलें मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम 18 मार्क्स तक आपको 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पोर्शन से। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट एज फार एज योर मैकेनिक्स ऑफ BSc पार्ट वन इज़ कंसर्न। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स के फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली ये यूनिट हम शुरू कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठीक प्रेडिक्ट किया था, सजेस्ट किया था। तो इस थ्योरी का पूरा डेवलपमेंट अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के पहले हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के हम 3 बेसिक पास्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्पेशल थ्योरी के ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत नहीं है, हम इसको रिलेट करने के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से शुरू कर रहे हैं। तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स हैं जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेंगे, इसके पास्टुलेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विथ फुल एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वैसे भी मैकेनिक्स शुरू करने के पहले न्यूटन साहब का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूटन साहब ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में, वैसे तो देखा जाए तो उस समय जितनी भी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस फिजिक्स की थी उनमें न्यूटन ने, न्यूटन के एरा में, न्यूटन के समय में जितनी भी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स थी ऑलमोस्ट सब में न्यूटन ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अवश्य किया है, बहुत इनका एक क्रेडिबल कंट्रीब्यूशन रहा है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, यहीं से शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका अच्छा बनेगा, बिल्डअप करेगा। तो 3 लॉज हैं बेटा, देयर आर 3 लॉज, ठीक। तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिया, लॉज ऑफ मोशन, ठीक, एक प्रकार से डायनामिक्स की बात हो रही है। तो न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया मोशन का, पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो हम इसको न्यूटन्स
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। इसको बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, इनर्शिया क्या होती है हम इसी टॉपिक में आपको मैं समझा दूंगा। अब बेटा ये स्टेट क्या करता है, ये बताता क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, कोई बॉडी रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही है, ठीक, तब वो, तब तक वो बॉडी रेस्ट के स्टेट में रहेगी या कांस्टेंट मोशन के स्टेट में रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक, तो इसको आप बोल सकते हैं इफ एनी बॉडी इज एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन देन द बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक, अब इसी को दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ईदर ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, ईदर ए बॉडी विल बी एट रेस्ट आर बॉडी विल मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम कांस्टेंट मोशन की कंडीशन बोल सकते हैं। तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट आर बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पर एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू जीरो है तो बॉडी या तो रुकी होगी, रेस्ट पर होगी, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो इसको हम लोग इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे, ठीक है। तो देखें, इन द एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जब एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एनी बॉडी, एनी बॉडी विल बी एट रेस्ट, विल बी एट रेस्ट आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन। ठीक, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एनी बॉडी विल बी एट रेस्ट आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन। अब इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं, तो ठीक है, स्क्रीन को पास करके थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, एकदम बेसिक से शुरू करें और बढ़िया से आप इसको आगे बढ़ाते रहें, कांस्टेंट मोशन। अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूँ, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसको एफ एक्सटर्नल ना लिख करके, कुछ बुक्स में लिखा रहता है एफ इज इक्वल टू जीरो, तो आप ही समझ लें एफ कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्सेस मोशन सिस्टम में ओवरऑल मोशन जनरेट नहीं कर सकते, अगर सिस्टम को मूव कराना है, बॉडी को मूव कराना है, तो बाहर से ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कार के अंदर बैठ करके और आप उसके बॉडी पर, डैशबोर्ड पर, या आप उसके सीट्स पर अगर फोर्स लगाएं, पुश करें या पुल करें, तो कार मूव नहीं करेगी। तो कार को मूव कराने के लिए कार के बाहर जाना पड़ेगा और ज़मीन पर खड़े होकर के उसको पुश या पुल करना पड़ेगा, तभी उसमें मोशन आएगा। तो किसी भी बॉडी को मूव कराना है तो आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, इंटरनल फोर्स से बॉडी में नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट मोशन जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो देन आइदर
इधर v इज इक्वल टू जीरो आर वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब v इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब एरो v इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब वेलासिटी वेक्टर इज कांस्टेंट, मतलब बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसके मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलासिटी में कोई चेंज नहीं होगा अगर f एक्सटर्नल क्या है जीरो है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टेटेड इफ f एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो देन ईदर वेलासिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट और वेलासिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट दैट इज बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब क्वेश्चन ये उठता है इनर्शिया क्या होती है, तो थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा कर लेना जरूरी है, ये आपको जानना चाहिए बेटा। इनर्शिया के बारे में लोअर क्लासेस में भी आपने सुना होगा और यहाँ पर भी आप इनर्शिया के बारे में थोड़ा समझ लें तो अच्छी बात है। इनर्शिया ये नोट पॉइंट है, एक प्रकार से रिमार्क है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन हम लोगों ने स्टेट कर दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है, मैथमेटिकली भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है, सिम्बोलिकल फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब जिसे इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं, हिंदी में इनर्शिया को जड़त्व कहते हैं और इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। इनर्शिया क्या होती है बेटा, किसी भी मैसिव बॉडी में इनर्शिया मास के कारण ही जनरेट होती है। इनर्शिया का मेन काज मास है। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है, जिसे ग्राम में केजी में इसको एक्सप्रेस करते हैं आप। तो मास के कारण जितनी भी मैसिव बॉडीज होती हैं जिनमें मासेस होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है अपने इनिशियल स्टेट को कंटेन करने की, अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन करने की, ठीक। कोई भी बॉडी ये चाहती है कि उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है, जो प्रेजेंट टाइम में स्टेट है, उसमें चेंज ना हो, और अगर चेंज करने का प्रयास किया जाता है तो बॉडी इस चेंज को अपोज करती है। मतलब बॉडी नहीं चाहती कि उसके स्टेट में चेंज किया जाए। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो लगातार रेस्ट पर रहना चाहती है, और अगर आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तभी बॉडी मोशन में आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो लगातार वो बॉडी मोशन में रहना चाहती है, अब उसको रोकना चाहते हैं या उसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही होगा बाहर से। मतलब बॉडी अपने आप रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती, और अगर मोशन में है तो अपने आप वो रेस्ट पर नहीं आ सकती, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि सर जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को मूव करा दिया जाए, किक कर दिया, हिट कर दिया, थ्रो कर दिया, बॉडी मूव करने लगी, कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाती है, तो बॉडी ने तो अपने आप अपने मोशन को चेंज कर दिया, वो रेस्ट पर आ गई, रुक गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हुआ, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा। एक्सटर्नल फोर्स एयर का विस्कस फोर्स भी हो सकता है, एयर की विस्कोसिटी हो सकती है, एयर का रेजिस्टेंस हो सकता है, या अर्थ के कांटेक्ट में है, किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है। तो यही ये फोर्सेस बॉडी के वेलोसिटी को कम करते जाते हैं और अंततः बॉडी रेस्ट पर आ जाती है, तो लास्टली बॉडी कम्स एट रेस्ट। तो इनर्शिया क्या है, द टेंडेंसी, इट इज टेंडेंसी, मेंटलिटी नहीं लिखना है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी। अब बॉडी है तो इसमें मास है, पक्का मान लो, इट इज टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू वेज, जिसके कारण ड्यू टू वेज इट रेजिस्ट्स, रेजिस्ट मीन्स अपोजेस, इट रेजिस्ट्स टू द चेंज, टू द चेंज इन इट्स, टू द चेंज इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट अभी जो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन, या इसी को स्टेट बोल सकते हैं, अवस्था, प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन, रेस्ट आर मोशन। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहना चाहती है,
मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी स्वतः अपने आप अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन के कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहती, और चेंज करने का प्रयास किया जाए तो रेजिस्ट करती है, वो इसका विरोध भी करती है। लेकिन आप सफिशियंट एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करके एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में चेंज, बॉडी के स्टेट में चेंज कर देगा। रेस्ट पर है तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, और मोशन में है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बॉडी के वेलोसिटी को कम कर सकते हैं या उसको रेस्ट पर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इनर्शिया आप समझें, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट टू दी चेंज इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन या स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन। अब बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर सकती है तो बेटा सिंपल हम लोग इनर्शिया बोलेंगे, लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करने में सक्षम है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, ठीक, तब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी इनर्शिया का नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देंगे हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी मास के डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और प्लेन इनर्शिया अगर सिंपल इनर्शिया की बात किया जाए तो उसमें 100% रोल केवल मास का ही होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास के साथ साथ मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से है इस बात पर भी वो डिपेंड करती है। लेकिन अगर केवल सिंपल इनर्शिया की बात किया जाए जो स्पेशली ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर 100% कंट्रीब्यूशन केवल और केवल मास का होता है, ठीक है। तो इनर्शिया यहाँ पर मेनली तीन प्रकार के हम लोग मानेंगे। अभी हम ट्रांसलेशनल इनर्शिया की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन, अबाउट द रोटेशनल मोशन, क्योंकि वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास के साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है उस बात पर भी वो डिपेंड करती है। तो नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मनली इनर्शिया विच इज एप्लीकेबल फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन। तो टाइप्स की अगर बात करें बेटा इनर्शिया के टाइप्स की, तो देयर आर थ्री टाइप्स, ठीक है, थ्री टाइप्स है बेटा। तो देयर आर थ्री टाइप्स, इनर्शिया के तीन प्रकार हैं, थ्री टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स। पहला है इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट, ठीक। इनर्शिया जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो रेस्ट में रहना चाहती है लगातार, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। तो व्हेन एनी बॉडी रेजिस्ट टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट देन सच काइंड ऑफ इनर्शिया इज नोन एज इनर्शिया एट रेस्ट। सेकेंड वन इज इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन मोशन। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके वेलोसिटी को आप जब चेंज करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तीसरा है, थर्ड वन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स बॉडी विल कीप ऑन मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी एक निश्चित दिशा में जिसमें वो पहले से चल रही है उसी में चलते रहेगी। तो अगर डायरेक्शन में चेंज करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेटा तीन टाइप्स हैं इनर्शिया के, आपको थोड़ा इसको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए जो मैंने यहाँ प्रोवाइड कर। अब हम लोग यहाँ पर बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले मैंने आपको बता दिया कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैकेनिक्स में सब जगह एप्लीकेबल हैं, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूटन साहब के थ्योरी के विरोधी थे, उन्होंने न्यूटन साहब के थ्योरी को का विरोध किया, अपोज किया, ऐसी बात नहीं है बेटा। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब न्यूटन साहब का बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात किया,
उन्होंने बात किया उन पार्टिकल्स या बॉडीज के लिए जो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही हैं, उनमें क्या उनके कंसिडरेशन में क्या फर्क आता है, इसकी बात स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया गया है। ठीक है, न्यूटन साहब ने कम वेलोसिटी के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की जब बात करते हैं तो कम वेलोसिटीज के लिए सारी चीज़ों को बात किया था, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसे पार्टिकल्स या बॉडीज के बारे में बात किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो बहुत हाई स्पीड से, जो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, उन जिन वेलोसिटीज को हम लाइट के वेलोसिटी से, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड से कंपेयर कर सकें, उसके लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी आगे चल करके उस पर चर्चा करेंगे, पहले हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर लें, फिर पास्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात कर लें, फिर आगे को चर्चा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको बढ़िया से देख लीजिए बेटा, इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, इसको बेटा लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स, ये फोर्स के डेफिनेशन को प्रोवाइड करता है बेटा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स के डेफिनेशन को प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि फोर्स क्या है, तो बेटा फोर्स एक काज है, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन के लिए जरूरी होती है। फोर्स इज ए काज विच प्रोड्यूसेस मोशन इन ए बॉडी और पार्टिकल व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन देम। तो किसी पार्टिकल या बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स उसके मोशन में चेंज करता है। तो फोर्स इज ए काज विच चेंजेस मोशन ऑफ ए बॉडी, ए बॉडी इज एट रेस्ट देन बॉडी मे स्टार्ट मूविंग, बॉडी मे स्टार्ट मोशन, बॉडी मे बिकम इन मोशन, ठीक, बॉडी मोशन में आ सकती है। एंड इफ बॉडी इज इन मोशन तो बॉडी रुक भी सकती है बाई अप्लाइंग फोर्स, और डायरेक्शन को भी आप फोर्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स एक काज है जो मोशन के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है बेटा, किसी भी बॉडी पर फोर्स पुल या पुश के रूप में लगाया जाता है। जिसे किसी बॉडी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसे पुश करना पड़ता है। तो फोर्स इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल ऑन ए बॉडी। तो बेटा किसी भी बॉडी को पुश करेंगे तो आपसे दूर बॉडी हटेगी, तो आपने पुशिंग में क्या किया, एक फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण बॉडी आगे बढ़ गई। अब बॉडी को अपनी तरफ खींचना है तो आप क्या करेंगे, पुल करेंगे। अब पुलिंग में भी आप फोर्स ही लगा रहे हैं बॉडी पर तो बॉडी आपकी तरफ मूव करेगी। तो फोर्स इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। जैसे डस्टर है, हमें मूव कराना है अपने से दूर, तो हम इस तरीके से फोर्स लगा देंगे डस्टर से दूर, मैं पुश कर रहा हूँ। डस्टर को अपनी तरफ खींचना है तो मैंने ऐसे खींचना शुरू कर दिया, इट इज पुलिंग, इट इज पुलिंग ऑफ द डस्टर। तो फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। लेकिन फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो चीज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है। ठीक है, इसको हम लोग लॉ ऑफ फोर्स के नाम से भी समझ सकते हैं। तो बेटा क्या होता है, ठीक, और ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, हम एक्सटर्नल फोर्स के बारे में ही बात कर सकते हैं, कर रहे हैं बेटा। ठीक है, नेट फोर्स, और यही बेसिक डेफिनेशन है, नेट फोर्स अप्लाइड अप्लाइड ऑन ए बॉडी, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, नो डाउट इट इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू, इक्वल टू द, इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम समझते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किसी भी पार्टिकल के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो जैसे बॉडी का मास या पार्टिकल का मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी,
तो वेक्टर के फॉर्म में लेना है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी आर पार्टिकल इज गिवन एज एम इनटू वी मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी पार्टिकल या बॉडी में कितना मोशन स्टोर्ड है, उस पार्टिकल या बॉडी में मोशन की कितनी अमाउंट स्टोर्ड है उसको ये बताता है बेटा। तो लीनियर मोमेंटम टेल्स अस अबाउट दी मोशन विच इज स्टोर्ड इन ए मूविंग पार्टिकल आर इन ए मूविंग बॉडी, ठीक। एंड इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आर मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक। लीनियर मोमेंटम पी बराबर एम वी, हम लोग इसका सिंबल पी लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, पार्टिकल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑफ द बॉडी। अब आप फोर्स का सिंबल ये सब जानते ही हैं, तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, डी डी टी ऑफ पी, डी डी टी ऑफ पी। तो फोर्स इज गिवन एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बेटा एक चीज मैं आपको थोड़ा यहीं पर बता देना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, चूंकि लोअर क्लास में यह बराबर यमे आपको बताया गया होगा, टीचर्स ने ज़्यादातर टीचर बताते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एफ इज इक्वल टू एमए लिख सकते हैं अगर मास कांस्टेंट है तो, चूंकि मास बदल भी सकता है। जैसे रॉकेट का केस अगर ले लें तो उसके अंदर जो गैसेस फील्ड होती हैं, जो फ्यूल फिक्स्ड फील्ड होता है, वो फ्यूल बेटा बर्न करता है तो गैसेस के फॉर्म में बाहर निकलता है तो मास कम होता जाता है, वो भी एक वेरिएबल मास का केस होता है। और मान लीजिए रेन हो रही है, रेनिंग सीजन है, बारिश हो रही है और किसी भी बॉडी के ऊपर पानी गिर रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है, तो भी उस बॉडी या उस सिस्टम का मास चेंज होता रहेगा, तो वहाँ भी हम यम को वेरिएबल मान लेते हैं। लेकिन अगर यम कांस्टेंट है, ठीक है, यम कांस्टेंट बना हुआ है टाइम और स्पेस के साथ और वेलोसिटी वी है, तो वेलोसिटी वी तो चेंज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यम कांस्टेंट है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी इफ यम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर यम कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम केवल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, और इस केस में अगर फोर्स को आप लिखें तो डी डी टी ऑफ यम वी, अब चूंकि यम कांस्टेंट है तो आप बाहर ले सकते हैं यम डी डी टी ऑफ वी, डी डी टी ऑफ वी। अब बेटा डी डी टी ऑफ वी क्या है, एक्सीलरेशन, यह एक्सीलरेशन है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा अगर मास लगातार कांस्टेंट बना हुआ है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यह बराबर एम ए लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब अभी आप आगे पढ़ेंगे, चूंकि हम लोग यूनिट वही वाली शुरू कर रहे हैं, बस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से मैंने इसको थोड़ा शुरू किया है, फिर बाद में मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताते हुए आगे बढ़ूंगा, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के चेंज होने के साथ साथ मास चेंज होता जाएगा, प्रोवाइडेड वेलोसिटी इतनी अधिक हो कि हम उसको लाइट के वेलोसिटी से कंपेयर कर सकें, ठीक है, कंपेरेबल हो लाइट के वेलोसिटी के साथ, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी के साथ मास चेंज होता जाएगा, रादर इंक्रीज करता चला जाएगा, तो यफ बराबर जो यमे है ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यम को कांस्टेंट मानते हुए हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है। अगर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, यम इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, अगर यम कांस्टेंट नहीं है और वी भी कांस्टेंट नहीं है, तो यफ की वैल्यू आ जाएगी यम डी वी बाई डी टी, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फिर डीएम बाई डी टी को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो यह बराबर यमे होल्ड नहीं करेगा,
तो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो एम डी बी बाई डी टी इन जनरल हम लोग लिख देते हैं, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एम डी बी बाई डी टी से काम नहीं चलने वाला है। हमें एक टर्म और लेना पड़ेगा, वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी। अब यम अगर कांस्टेंट है बेटा तो डी एम बाई डी टी जीरो हो जाता है, तो एम डी बी बाई डी टी दैट इज एम ए बच जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है, तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ये बेटा फोर्स की वैल्यू है। जैसे कोई पूछता है व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप बता दें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर बॉडी। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर बॉडी आर ए सिस्टम इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, टाइम के साथ जो डेरिवेटिव है, वही फोर्स होता है। अब बेटा फोर्स की यूनिट वगैरह तो आप जानते हैं, इसको बताना बहुत उचित तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप समझ लें। यूनिट ऑफ फोर्स एसआई यूनिट क्या है बेटा, एसआई यूनिट, इसको एमकेएस सिस्टम में भी बोल सकते हैं, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे शॉर्टकट लिख दें। क्या होता है बेटा, न्यूटन, न्यूटन होता है बेटा, न्यूटन, इसको कैपिटल एन लिख सकते हैं। लेकिन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग बोल देते हैं। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ठीक। और बेटा डाइन और न्यूटन में रिलेशन है, वन न्यूटन इसको टू टेन की पावर फाइव डाइन, मतलब एक लाख डाइन एक न्यूटन के बराबर होगी, ठीक है। तो वन न्यूटन टेन की पावर फाइव डाइन के बराबर होता है, ओके। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेटा आपको समझना जरूरी है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप फाइंड कर सकते हैं। एक प्रकार से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही मेन लॉ है, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना बेटा, स्क्रीन को पास करके नोट कर लेना। ये बेसिक चीजें हैं और इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एकदम बेसिक तरीके से रखना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मिल करके आपको बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाती हैं। अब देखें, एक अगर रिमार्क या नोट पॉइंट हम लोग यहाँ पर करें, रिमार्क या नोट पॉइंट, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया कैन बी ऑब्टेंड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कैन बी ऑब्टेंड आर एक्सप्लेन्ड विथ द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी रियलाइज्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी प्रेडिक्टेड विथ द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सिंस एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक। इफ कैपिटल एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर कैपिटल एफ जीरो हो जाए देन डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब डी पी बाई डी टी जीरो हो गया और पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, भैया पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर पी इज इक्वल टू जीरो, तो पी या कांस्टेंट होगा या पी जीरो होगा। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है। अब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब समझते हैं, यम भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, और जीरो है तो वी जीरो है, क्योंकि मास जीरो नहीं हो सकता। अगर मास जीरो हो गया तो हम इनर्शिया की बात ही नहीं कर सकते। तो पी बराबर कांस्टेंट के लिए यम और वी दोनों कांस्टेंट हैं। वी के कांस्टेंट का मतलब समझते हो, बॉडी की जो वेलोसिटी है लगातार वही बनी रहेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो। और जीरो का मतलब मास जीरो नहीं हो सकता, जीरो किसको होना पड़ेगा, सीधे सीधे जीरो वेलोसिटी को होना पड़ेगा, ठीक है।
तो पी बराबर कांस्टेंट आर जीरो का मतलब एम वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आर जीरो। तो बेटा यम तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तभी इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। लेकिन जीरो की बात करें तो यम तो जीरो नहीं हो सकता, बी को ही जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू कांस्टेंट आर v इज इक्वल टू जीरो, दैट इज बॉडी विल मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी आर बॉडी विल बी एट रेस्ट इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए, वास्तविकता में बेटा यहां जो f लिखा है मैंने, वो f एक्सटर्नल ही है, एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही लीनियर मोमेंटम में चेंज ला सकता है, प्रोवाइडेड मास यहां पर कांस्टेंट बना रहे। ओके, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर लें थोड़ा जल्दी से। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा, जब हम किसी पार्टिकल या बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसे हम एक्शन कहते हैं, और इस फोर्स को लगाने के बाद वो पार्टिकल या बॉडी हमारे ऊपर रिवर्स फोर्स लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने मार्कर को यहाँ पर रखा है, तो मार्कर यहाँ पर रुका हुआ है, इसका मतलब मार्कर के वेट को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया है, तो नेट फोर्स इसका क्या है भाई, जीरो। अब नेट फोर्स जीरो है तो मार्कर किस पर है बेटा, रेस्ट पर, पहले रेस्ट पर था अब भी रेस्ट पर है। लेकिन मैं अगर ऐसे छोड़ दूँ तो मार्कर ऊपर से नीचे की ओर मूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये हुआ ऊपर की ओर जब मैं फोर्स लगा रहा था उसको मैंने विड्रा कर लिया, उसको हटा लिया, तो मार्कर नीचे की ओर मूव करने लगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण मार्कर देखिए नीचे की ओर आने लगा, जब मैंने ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को विड्रा कर लिया, मार्कर स्टार्ट्स मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब इसमें मार्कर मूव कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि मार्कर पर अर्थ एक पुलिंग फोर्स लगा रही है जिसको ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब चूंकि एक बॉडी अर्थ है तो हम इसको ग्रेविटी बोल देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मार्कर पर जितना फोर्स अर्थ लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वास्तविकता में मार्कर अर्थ के ऊपर, अर्थ पर अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा रहा है, मतलब अर्थ इसको पुल कर रही है, एक्शन कर रही है, तो मार्कर चूक नहीं रहा है, मार्कर अर्थ के ऊपर रिएक्शन कर रहा है। तो जितना फोर्स अर्थ मार्कर पर नीचे की ओर लगा रही है, मार्कर उतना ही फोर्स अर्थ पर ऊपर की ओर लगा रहा है, तो यहां एक्शन और रिएक्शन है। तो अर्थ अगर एक्शन कर रही है तो मार्कर रिएक्शन कर रहा है, बट आप कह सकते हैं सर यहां मार्कर मूव कर रहा है, तो हां भाई बात स्वाभाविक सी है, एक बहुत हैवी बॉडी है और एक बहुत लाइट बॉडी है, हल्की बॉडी है, अब दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं। ठीक, हैवी बॉडी बेटा मूव नहीं करेगी, उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है, अब इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाएगी, लेकिन इस मार्कर की इनर्शिया काफी कम है, चूंकि इसका मास बहुत कम है इसलिए मार्कर मूव करना शुरू कर देता है। तो मार्कर और अर्थ एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, जिनको एक्शन और रिएक्शन हम लोग बोलेंगे, बट मार्कर इज मूविंग बिकॉज इनर्शिया ऑफ द मार्कर इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, नेग्लिजिबली स्मॉल विद द इनर्शिया ऑफ द अर्थ। व्हाई? बिकॉज मास ऑफ द दिस मार्कर इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक, टेंडिंग टू जीरो, जीरो मान सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि उसका मास बहुत अधिक है।
तो बेटा एक्शन और रिएक्शन का गेम। हम लोग जब अर्थ पर वॉक करते हैं, चलते हैं, तो हम अर्थ को पुश करते हैं, ठीक, मतलब एक्शन करते हैं, तो अर्थ हमारे ऊपर उतना ही रिएक्शन करती है, और अब हम उस रिएक्शन के कारण आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा ये ला बहुत ही नेचुरल है, और हमारे डे टू डे लाइफ में इसका बहुत यूज होता है, बहुत एप्लीकेशन होता है, हम उसको महसूस करें या महसूस ना करें। लेकिन एक फिजिसिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक फिजिक्स पढ़ने वाला स्कॉलर हमेशा इस चीज़ को महसूस करता है, और उसको समझ में आता है कि हाउ आई एम एबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर एक बॉडी दूसरे पर, दूसरी बॉडी पहले पर फोर्स लगा रही है, तो एक एक्शन होगा और दूसरा रिएक्शन होगा। तो स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड की बात हो रही बेटा, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो किसी भी बॉडी पर फोर्स अगर अप्लाई करें, मैकेनिकल फोर्स या फोर्स अप्लाई करें, तो दूसरी बॉडी पहली वाली पर भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, दोनों कॉन्ट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टिव हो सकते हैं, बॉडी ए बॉडी बी। अब बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स लगाया, इसको एफ बी ए मान लें, तो इतना ही फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पर अप्लाई करेगी, इसको हमें एफ ए बी लेना पड़ेगा। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ एफ ए बी और एफ बी ए के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे, बट इनके डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी, वन इज एक्शन अदर वन इज रिएक्शन, आर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ठीक। अब बच्चों एक चीज और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड होता है। दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज लीनियर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कुछ नोट पॉइंट्स हैं जिसको फटाफट आप नोट कर लें, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ पास्टुलेट्स मैं बता दूं, देन वी विल स्टार्ट विद द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू करने के पहले हमें इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पूरा भरपूर उपयोग हम लोग वहाँ करेंगे, ठीक है। तो कुछ नोट पॉइंट्स हैं या रिमार्क्स हैं जिनको आपको समझ लेना चाहिए, ओके। तो पहला है ये बेटा, एक्शन और रिएक्शन में कोई टाइम लैग नहीं होता, देयर इज नो एनी टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, देयर इज नो एनी टाइम लैग। टाइम लैग को हिंदी में समय पश्चता कहते हैं, मतलब जरा सा भी अंतर नहीं आता टाइम में, जैसे ही एक्शन हुआ फड़ाक से रिएक्शन जनरेट हो गया, तुरंत रिएक्शन जनरेट होता है। देर इज नो एनी टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज एज सून एज एक्शन इज डन एट वंस रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड, कोई टाइम लैग नहीं होता। एक ही टाइम पर मान लो कि दोनों जनरेट होते हैं, तो जैसे एक्शन हुआ तुरंत रिएक्शन जनरेट हो गया। दूसरा है, ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बैलेंस बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन ए डिफरेंट बॉडीज। जैसे देखें एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, या आप लिख सकते हैं एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो। तो इससे पता चल रहा है कि एक्शन ने रिएक्शन को कैंसिल कर दिया, एक्शन ने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, बट
इस इक्वेशन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये केवल एक इक्वेशन बन के रह गया है कि दो फोर्सेस का सम हम जीरो कर दे रहे हैं। लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और बॉडीज इक्विलिब्रियम में रहेंगी। कारण यह है कि या फिर बी बॉडी ए पर फोर्स है बी के द्वारा और या बी ए बॉडी बी पर फोर्स है ए के द्वारा, तो एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर बैलेंस्ड ईच अदर। तो एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर कैंसिल टू ईच अदर। ठीक। और तीसरा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज बेस्ड ऑन दी law of conservation of linear momentum। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेट लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। थैंक्स बच्चों, थैंक्स।